सुबह के वक्त प्रिंसिपल संजीव इसी कार से अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, मगर बीच रास्ते में पहुंचते ही दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर अचानक कार में से धुआं निकलने लगा। खतरा भाप कर प्रिंसिपल संजीव कार से नीचे उतर गए कि अचानक कार ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में कार धू-धू कर जलने लगी। संजीव ने तुरंत दमकल विभाग को आग की सूचना दी और आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाने में जुट गए, मगर जब तक मदद मिली तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। सिर्फ 5 मिनट में चमचमाती i10 कार जलकर खत्म हो गई। मैं संजीव कुमार हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ गुरु नानक वाटिका पब्लिक स्कूल में इस्माइलाबाद में। आज सवेरे जब मैं घर से निकला स्कूल जाने के लिए, तो मुझे यहाँ पर अकस्मात धुआं नज़र आया गाड़ी में सामने। जैसे ही मैं बाहर आया, बोनट उठाने की कोशिश की, तो एकदम आग की लपट बाहर आई। मैंने उसी वक्त बोनट बंद कर दिया और तुरंत फायर सेक्शन, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। उनके आने में कुछ समय तो लगना ही था, 5-7-10 मिनट। इतनी देर में गाड़ी जलकर ख़त्म हो गई, जबकि मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास वाटर बॉटल थी उससे कुछ कोशिश की आग बुझाने की, और कुछ लोगों ने भी मदद की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि उस पर कंट्रोल पाना मुश्किल थी और गाड़ी धू-धू करके जल। संजीव के मुताबिक कार के बोनट से धुआं उठता देख उन्होंने कार साइड में रुककर बोनट खोलकर चेक किया था, लेकिन उसे आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद बोनट बंद कर दिया गया था। कार में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिन्होंने कार में लगी आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। रात 31 बजे सूचना मिली और 7:36 बजे हम पहुंच गए। सर क्या कुछ नुकसान हुआ? गाड़ी की वायरिंग में आग लगने से आग लगी है। कोई नुकसान नहीं है जी। हालांकि कार मालिक और राहगीरों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, मगर आग की लपटें इतनी तेज थीं तो समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बहरहाल गनीमत ये रही कि समय रहते चालक गाड़ी से उतर गया था, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।